वेलकम टू माय अर्चेंट हाउस व्यूअर्स, मैं हूं आर्किटेक्ट शांतनु। आज का हाउस प्लान 24 फीट बाय 21 फीट 500 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन है। काफ़ी व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि 500 स्क्वायर फीट के अंदर एक हाउस डिज़ाइन बनाइए। सो आज ये हाउस प्लान 24 फीट फेस में और चौड़ाई में 21 फीट है। सो 500 स्क्वायर फीट हाउस बनाने के लिए हमें यहाँ पे टोटल कॉलम का जो ज़रूरत होगा, हम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टोटल 10 कॉलम यूज किया हूँ, वो डिज़ाइन के हिसाब से मैंने लेआउट भी किया हूँ। सो पहले हम कॉलम इरेक्ट कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग डिटेल्स, डायमेंशन डिटेल्स, फर्नीचर लेआउट। सो व्यूअर्स, अब चलेंगे हम स्टेयर भी प्रोवाइड कर लेते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल एक साइड में स्टेयर प्रोवाइड किया हूँ, और स्टेयर के नीचे वाला पोर्शन में हम पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। हमने ये फर्स्ट फ्लाइट है और सेकंड फ्लाइट, थर्ड फ्लाइट मैंने दिखाया नहीं है, उसके नीचे ही हमने कार पार्किंग भी करेंगे, मतलब बाइक पार्किंग आप आराम से कर सकते हैं। देन हम चलेंगे वॉल क्रिएट करते हैं, 7 फीट 6 इंच तक हाइट उठा लेते हैं। हमारा लिंटेल हाइट है 7 फीट, और जो वॉल होगा हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल, ये 5 इंच का है, मतलब 125 mm का थिक। ये वॉल हमने क्रिएट कर लिया हूँ। सो और इस तरफ हमें कोई वॉल क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ये पार्किंग प्लेस बनाएंगे। सो इसको हम इरेक्ट कर देते, मतलब इरेज कर देते हैं। और इसको यहाँ का जो फ्लोर होगा, ये हमने रोड लेवल में बराबर एकदम रखेंगे, रोड लेवल के हिसाब से रखेंगे, मतलब रोड लेवल जहाँ पे होगा उसी हिसाब से इस फ्लोर को रखना होगा। और हमारा जो बिल्डिंग का फ्लोर है, ये हमने 2 फीट ऊंचा में रखेंगे, ओके, जिसमें कि हमें बाइक चढ़ाने में दिक्कत ना आए। ये देखिए 2 फीट है प्लिंथ हाइट, और हमने इसको 2 फीट डाउन कर देंगे मेन फ्लोर से। और अगर यहाँ से एक्सेस करना होगा, सो हमने यहाँ पे 3 स्टेप प्रोवाइड कर देंगे। अगर रूम रेंट में देना चाहेंगे, सो हमने स्टेयर के नीचे से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आराम से हमारा फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए भी बन जाएगा, जो कि हम ग्राउंड फ्लोर में कोई प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पे हाइट भी मुझे मिल जाएगा 6 फीट 1 इंच, और चौड़ाई में 6 फीट 9 इंच, और इस तरफ हमें मिलेगा 7 फीट 9 इंच, मतलब काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आराम से हम 2-3 बाइक पार्किंग कर सकते हैं, या आने जाने का एक्सेस भी कर सकते हैं। देन हम प्लिंथ हाइट, जो हमारा प्लिंथ प्रोटेक्शन लेवल होगा, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप रोड लेवल के हिसाब से इसको बना लेंगे। सो व्यूअर्स, आप चलेंगे हम जो हमारा मेन डोर है, ये डोर हम बना लेते हैं। ये मेन डोर है, ये हमारा लिंटेल बन जाएगा यहाँ से, ओके। और एक सेकेंडरी जो गेट है, ये हमारा स्टेयर वाला गेट है। सो अब फर्नीचर लेआउट भी साथ में हम कर लिए हैं, अब चलेंगे जो हमारा सेकेंडरी गेट है उसको भी बना लेंगे। ये सेकेंडरी गेट है, हम यहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हमने स्टेप भी बना लेते हैं, 3 स्टेप, इस
तरफ हमें यहाँ पे स्टेप बना लेंगे तो यहाँ से भी आराम से हम इजी से एक्सेस कर पाएंगे। सो रेंट में भी आराम से दे सकते हैं, रेंट वालों जो हम देंगे सो यहाँ से ये आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा अगर जगह होगा तो हम पीछे भी कर सकते हैं। ये थ्री स्टेप बन गया है। सो अब चलेंगे हम जो हमारा ड्राइंग काम डाइनिंग रूम है इसका डायमेंशन हम देख लेते हैं। इस तरफ 10 फीट 9 इंच और चौड़ाई में, एट फीट सेवन इंच, काफ़ी अच्छा जगह है। देन किचन रूम, किचन स्लाब 30 इंच हाइट, यहाँ पे हमने साइज देखेंगे 6 फीट 4 इंच बाई 7 फीट, हमने 3 फीट बाई 3 फीट का एक विंडो फ्रंट साइड में दे देंगे। देन कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम, यहाँ पे हमने एक वेंटिलेटर दे देंगे 3 फीट बाई 1 फीट 6 इंच। अब जो साइज है 4 फीट बाई 7 फीट, काफ़ी अच्छा टॉयलेट भी है। नेक्स्ट बेडरूम 1, ये हमारा यहाँ पे डोर मिल जाएगा और 2 विंडो भी दे देना है। साइज 11 फीट 5 इंच बाई 9 फीट। नेक्स्ट बेडरूम 2, इसका भी सेम है, यहाँ से हमने डोर एक्सेस करेंगे और 2 विंडो दे देंगे और साइज 11 फीट 5 इंच बाई 9 फीट, काफ़ी अच्छा बेडरूम भी हमें मिल रहा है। देन हम देखेंगे जो हमारा स्टेयरकेस है उसका लैंडिंग 3 फीट और स्टेयर का जो लेंथ है 2 फीट 6 इंच और ट्रेड 9 इंच, राइजर 6 इंच, काफ़ी कंफर्टेबल है, इजी एक्सेसिबल भी होगा और नीचे से भी हम आने जाने की भी बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज का जो हाउस प्लान है आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।